नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। फाल्गुन अमावस्या पर घर की सुख शांति के लिए व्रत रखा जाता है। फाल्गुन अमावस्या इस बार 2 मार्च बुधवार के दिन है। पंचांग के मुताबिक इस बार फाल्गुन अमावस्या पर शिव और सिद्धि का योग बन रहा है। मान्यता है कि इन दोनों खास योगों में की गई पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों की आत्मा के लिए तर्पण किया जाता है। ऐसे में जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन अमावस्या की शुरुआत 2 मार्च सुबह से पहले रात 1:03 से हो रही है। इस वक्त महाशिवरात्रि का समापन होगा। वहीं फाल्गुन अमावस्या तिथि का समापन 2 मार्च को रात 11:04 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक फाल्गुन अमावस्या का व्रत 2 मार्च को रखा जाएगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन भूल कर भी सोना नहीं चाहिए, साथ ही देर तक नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, साथ ही लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना अच्छा माना गया है। फाल्गुन अमावस्या के दिन वर्ती को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास करें। इसके साथ ही घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, खासतौर पर शाम के समय घर में रोशनी अवश्य करें। इस दिन घर आए किसी भी इंसान को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अमावस्या के दिन दान करना अच्छा माना गया है। इसके अलावा इस दिन पितृ के निमित्त तर्पण करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ हल्के रंग के साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन क्रोध करने से परहेज करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।